राधेश्याम जी, ये दहेज के पैसे लीजिए। दुखी राम जी, आपसे तो हमारी दहेज की राशि 50,000 रुपए तय हुई थी, मगर ये क्या, ये तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं सारा आपका कर्ज उतार दूंगा। दुखी राम जी, आटे में अगर नमक कम हो तो चलता है, मगर यहां तो आटा ही नहीं है। दुखी राम जी, ये खबर कोई और सुनकर अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ कभी नहीं करेगा। नहीं राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, ऐसा मत कीजिए। बंद करो ये सब, ये शादी नहीं हो सकती। राधेश्याम जी, आधे मंत्र पढ़े जा चुके हैं, इसलिए शादी नहीं रुकेगी। पंडित जी, शादी कभी मंत्रों के पढ़ने से नहीं होती है, शादी होती है दहेज में तय की गई रकम से, और वो रकम मुझे मिली नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। चलो बारातियों, बेटा उठो यहां से, चलो। राधेश्याम जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, रहम कीजिए। मेरी इज्जत तो आपके पैरों में पड़ी है, इसकी लाज रख लीजिए। उठाओ पगड़े और बंद करो ये नाटक। दुखी राम जी, तुम जैसे भूखे नंगे लोगों ने ये बहुत अच्छी तरकीब सोची है कि लोगों को लालच देकर बारात बुला ली जाती है। और फिर उनके सामने 50 रुपए की पगड़ी उनके पैरों में रखकर उनसे भीख मांगते हो कि मेरी इज्जत का सवाल है। ये कभी नहीं हो सकता। दुखी राम, राधेश्याम जी, मेरी इज्जत बचाइए। राधेश्याम जी, इतना जुल्म मत कीजिए। संदीप जी, हम गरीबों की फरियाद सुन लीजिए, ऐसा मत करिए। कौन समधी, कैसा समधी, किसका समधी? बारातियों को वापस लेके मर जाइए राधेश्याम जी, हम मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे राधेश्याम। ये ले चिपने पगड़ी, ये दहेज के लालची कुत्ते गरीब की इज्जत को क्या समझे। आप हौसला रखिए। चांदनी के बापू, चांदनी ने कमरा अंदर से बंद कर लिया है, जल्दी चलिए, वो कहीं कुछ करना बैठे, जल्दी चलिए। बेटी, दरवाजा खोल बेटी, बेटी दरवाजा खोल, बेटी क्या कर रही है अंदर, दरवाजा खोल बेटी, बेटी दरवाजा खोल। तेरी बड़ी बहन का घाव तो अभी तक भरा ही नहीं है। ये तो क्या कर रही है बेटी, हम तेरे गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हैं। नहीं माँ, इसका फंदा नहीं, नहीं माँ, मर जाने दो मुझे माँ। नहीं बेटी, ये लोग गरीब की बेटी को मंगलसूत्र नहीं फांसी का फंदा पहनाना चाहते हैं माँ, मुझे मर जाने दो। नहीं बेटी, बेटी तेरी बड़ी बहन ने जो खुदकुशी करके घाव दिए हैं मेरे सीने में, तो क्या
तू उसे और गहरा करना चाहती हो खुदकुशी करके? नहीं बापू, मैंने तो दहेज का फंदा आपके गले से निकाल कर अपने गले में इसलिए डाला था कि आप दहेज की लालच से मुक्त हो जाएं और आपको शांति मिल जाए। हम लोगों को शांति तब मिलेगी बेटी, जब हम तुम्हें दुल्हन बनाकर डोली में बिठा के खुशियों के आंसुओं से पलके भिगोते हुए इस घर की दहली से विदा करेंगे। हे माँ, वो दिन कभी नहीं आएगा। माँ, कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची। ऐसा दिन आएगा, अवश्य आएगा। दुखी राम जी, मेरा दोस्त शहर में एक रामलाल मैरिज ब्यूरो चलाता है, आप उसके पास जाइए। नमस्ते जी। हाँ, आइए आइए बैठिए। रामलाल जी, दीपामल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। दीपामल तो मेरा बचपन का दोस्त है, हुकुम कीजिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? भैया रामलाल जी, ये मेरी बेटी की तस्वीर है, इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढिए। आपका नाम और पता है ना सब कुछ? नाम और पता है। आप एक काम कीजिए, 250 रुपये एडवांस दीजिए। माई बाप, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता ढूंढिए, मैं आपकी फीस जरूर दूंगा। उधार? वैसे मैं उधार नहीं रखता हूँ, लेकिन आप मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं उधार रखता हूँ। आपको लड़का कैसा चाहिए? माई बाप, लड़का गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बस मेरी लड़की सुखी रहनी चाहिए। देने के लिए मेरे पास लड़की के सिवा कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढूंगा। आप जाइए और आराम की नींद सोइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाय टेबल पे रखी है, पी लो। बाबूजी को चाय दे दी? नहीं। यार तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दिनू काका बीमार है। तो क्या हुआ, बाबूजी खुद चाय बनाकर पी लेंगे। सीमा, वो हमारे पिताजी हैं, उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। वो पिताजी तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। मैं तुम्हारी देखभाल कर लेती हूँ ना, इतना ही बहुत है। तो ठीक है, ये चाय भी तुम ही पी लो। हाँ, मैं तो पीऊंगी। ये लीजिए बाबूजी, चाय पी लीजिए। नहीं बेटे, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए चाय बनवाई है, तुम इसे पी लो। मैं दिनू काका से कह दूंगा, मुझे लगता है वो ठीक हो गया है, तुम पी ले। दिनू काका, अरे दिनू काका, अरे तो अभी तक सोया हुआ है। दिनू काका, तबीयत कैसी तुम्हारी? पता नहीं बाबूजी, बहुत सर्दी लग रही है। हाँ? आप चलकर गार्डन में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें थोड़ा सा बुखार भी है, आज ही जाकर दवाई लेकर आना। तुम आराम करो, चाय मैं बाहर ही पी लूंगा। सो जाओ सो जाओ। हाँ सो जाओ, चाय मैं बाहर पीता हूँ। श्यामलाल, क्या कर रहे तुम? कुछ नहीं, बेटी पी रहा हूँ यार। मेरी बात सुन, शादी कर ले और अपने घर में बेटी पी ले। तू कभी किसी के मूड के बारे में सोचता ही नहीं, हमेशा मजाक करता रहता है और अपने धंधे के बारे में सोचता। ये मजाक नहीं है, मैं तेरी जिंदगी सुधारने के लिए ही कह रहा हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं है। अरे किस्मत ने जिसे बिगाड़ा है उसे कौन संवार सकता है। तू एक काम कर, तू मेरे घर चल, तेरी भाभी ने तुझे चाय पीने के लिए बुलाया, जब तक रामू काका ठीक नहीं होते तू मेरे घर पे ही चाय पी ले। रामलाल, ये आज की बला नहीं है, ये हर रोज की बला है। भाभी जी को दावत के लिए शुक्रिया बोलना।
तेरी मर्जी। क्या बात है, आज आप श्याम भाई साहब को घर नहीं लाए? मैंने बहुत कहा लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। बेचारा बहू की वजह से तंग है। कैसी बहू है जो स्टेज पर घर को स्वर्ग बनाने के भाषण देती है और अपने ही स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना रखा है। अपने अपने कर्म की बात है, दूसरा क्या। अच्छा है। श्यामलाल मैं बोल रहा हूँ, कमिश्नर। हाँ बोलो कमिश्नर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैं तुम्हारे शहर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, कब आए? आज ही आया हूँ। हाँ हाँ तुम्हारी भाभी भी है ना, आओ आओ। हाँ आज ही आया हूँ और कल सुबह की फ्लाइट से चला जाऊंगा। और सुनो, इसलिए आज रात का खाना मेरे साथ, ओके? और रामलाल को साथ ले आना, बहुत दिन हो गए जाम से जाम नहीं टकराए। ओके गुड गुड, शाबाश, सी यू। वो ऐसा है कि आज ही आए ना। चीयर्स। अरे आएगी ना यार, ये लो आ गई। लीजिए श्यामलाल जी, इनसे मिलिए, ये है मेरी पत्नी। अरे भाई हेलो, उधर क्या देख रहे हो? तुमने दूसरी शादी कर ली? अरे हाँ, सुनो सुनो, नमस्ते करो। नमस्ते, जाइए नाश्ता लेकर आइए। एक बात बताओ, मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन बुढ़ापे में इतनी जवान लड़की से शादी तकलीफ नहीं होती? अरे काय की तकलीफ यार, देखो आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, समझे कि नहीं? आदमी की सही खुराक होती है खुशी। अगर आदमी को सही बीवी मिल जाए ना, सही बीवी, तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी इस कमिश्नर साहब के चेहरे पे लाली आई हुई है। अपनी अपनी किस्मत है। श्यामलाल जी एक बात बताऊं, आप भी लगे हाथों अपनी शादी करी ना, 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 कर ले। अरे देखो फिर लाली लाली हो जाएगी। ना, ना, ना। कर ले यार, ना, ना, ना। कर ले। अरे यार मेरे साथ शादी कौन करेगा? अरे आप हाँ तो बोलो, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। हाँ। अरे हाँ मत बोला, मैंने गलती से इसे 200 मील दूर से हाँ बोली थी। हाँ। और उसने 200 मील दूर से एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। चलो यार मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। अरे हाँ अच्छा याद किया तूने यार, वो शादी की फीस 1000 रुपया मुझे लेनी है। ला चल ला। अरे मैं देता हूँ यार, ऐसा दोस्त है ये, समझ ले 2500 है। ठीक है, 1000 रुपए शादी के, 1000 रुपए शादी करवाने के लिए और 500 टिप। लेकिन एक बात सुन ले, अगर तेरा नाम मेरे रजिस्टर में चढ़ गया तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। हाँ चलो तुम दोनों मिलके मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढ लेना। प्रॉमिस। अरे भाई ढूंढ डालेंगे, वो प्रॉमिस कर रहा ना। पक्का प्रॉमिस। चलो दरबार उठाओ। हाँ। चीयर्स बोलो। हाँ। और वो देखो क्या ठुमका लगा। तब बढ़ा ढलता गया, जब जब शबाब अरे समझे ऐसी चली। हाँ। ऐसी चली इश्के हवा के बूढ़े भी जवान हो गए। ऐसी चली इश्के हवा के बूढ़े भी जवान हो गए। We'll be right back.
चटनी बूढ़े बिशगान हो गए है खाके बाहर की चटनी बूढ़े बिशगान हो गए जहां देखी सलाह साल के वहीं कुर्बान हो गए है जमाल है जमाल चली के हवा ये मुझे भी जवान